हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ महिलाओं में होने वाली बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं में होने वाली बहुत ही गंभीर समस्या यानी कि उनके चेहरे पर दाढ़ी निकल, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और इसकी होम्योपैथिक में कौन सी परमानेंट ट्रीटमेंट है, ये सभी मैं वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं या फिर बहुत सारी महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो गाल होती है, उनके जो गाल होती है और उनकी जो चिन की एरिया होती है, उस पर हेयर का ग्रोथ होने लगता है। उनमें जो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारी औरतें बहुत शर्म की वजह से या फिर ये इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर पाती या फिर इस प्रॉब्लम के बारे में वो किसी से पूछ नहीं पाती और वो खुद ही घर पे सेविंग्स करने लगती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है और बहुत ही बार ये सेफ नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनकी जो गाल होती है उस पर कट्स आ सकते हैं। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी जो ये प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ की, ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं मेडिसिन बताने वाली हूँ दोस्तों, वो है थूजा 200। जी हाँ दोस्तों, थूजा 200। तो दोस्तों थूजा 200 बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी अगर आपके जो फेस है उस पर, इस गाल पर और आपकी जो चिन की एरिया है उस पर हेयर की ग्रोथ आने लगी है और बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में हो रही है। तो उस कंडीशन में आपको थूजा 200 की दो दो ड्रॉप करके दिन में 3 बार लेना है। मेडिसिन है दोस्तों, वो है थायरोडिनम 200। उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी अगर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो हेयर का ग्रोथ है वो होने लगा है, तो उस कंडीशन में थायरोडिनम 200 बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। थूजा दिन में 3 बार लेना है। ठीक इसी तरीके से थायरोडिनम की भी 4-4 ड्रॉप को दिन में 3 बार आपको लेना है। तो दोस्तों थूजा और थायरोडिनम, इन दोनों मेडिसिन को कंटिन्यू आपको 2 मंथ तक खाना है। इसके बाद से थायरोडिनम की जगह पे आपको लेना है दोस्तों लाइकोपोडियम 200। जी हाँ दोस्तों, थायरोडिनम की जगह पे आपको मेडिसिन चेंज कर देनी है, लाइकोपोडियम खाना स्टार्ट कर दे। धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो कम होने लगी है और बहुत ही जल्दी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।